गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल मुस्कुरा रहे होंगे। ये बात समझना बहुत जरूरी है, जब तक आप खुश नहीं होंगे तब तक आप कोई चीज को सीख नहीं सकते हैं। तो लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है कि आपको जो है खुश रहना पड़ेगा, राइट? तभी आप नई नई चीजों को सीख पाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर पाएंगे। ओके, तो इस सेशन में हम लोग वाइब्रेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। वाइब्रेशन सीरीज का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। लास्ट सेशन में हमने वेलोसिटी, एक्सलरेशन, रियलाइजेशन ऑफ SHM, इन सारी चीजों को डिस्कस किया था। वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन एनालिसिस में एक दो छोटी चीजें रह गई है जिसे मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूं, और फिर हम लोग दो तीन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें वेलोसिटी और एक्सलरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, और आई होप आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं इजिली। ओके, तो हम लोग थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लें। लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? तो हमने देखा था कि अगर आप देखें तो हमारे पास इक्वेशन था डिस्प्लेसमेंट का, y बराबर a साइन ओमेगा t। मैं यहां पे इनिशियल फेज को जीरो कंसीडर कर रहा हूं, फाइ को ना, ऐसे ओमेगा t प्लस फाइ था, बट इसे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। चलिए, यहां के बाद हमने देखा था कि हमने इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया था तो हमारा क्या निकल गया था, दैट इज वेलोसिटी ना। तो वेलोसिटी हमारा निकला था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट? ओके, वेरी गुड। और अगर हमने इसको एक बार और अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा ए, दैट इज नथिंग बट द डीवी बाय डीटी ना। और यहां से हमने लिखा था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। चलिए, ये सब आप लोगों को क्लियर है, मैं बता चुका हूं। अब हम लोग जो है इस चीज में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सबसे पहले अगर इसे हम लोग गौर से देखें तो यह हमारा कोसाइन फंक्शन है, ये साइन फंक्शन है। तो साइन फंक्शन है तो साइनोसोडल कर्व होगा, राइट? ओके, लेकिन अगर मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे लिए क्या होगा? मैंने बताया था आपको, अगर हम वी मैक्स देखेंगे, राइट, तो वी मैक्स के लिए हमारा था कि ये कॉस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड बाय ना, इसका वैल्यू प्लस वन से माइनस वन वेरी करता है, राइट? तो अगर मैग्नीट्यूड हम इस वेलोसिटी का अगर देखें तो अगर जब ये वन हो जाए तो हो जाएगा, राइट? तो आई कैन से दैट ए इंटू ओमेगा दिस विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। ये सब हम लोग कर चुके हैं, जस्ट आई एम ब्रीफली रिवाइजिंग द थिंग्स। ओके, ये हमारा वेलोसिटी था। अगर यहां पे मैं मिनिमम वेलोसिटी की बात करूं कि हमारा वेलोसिटी मिनिमम कब होगा, राइट, तो यहां पे जब कॉस जीरो हो जाए, राइट, तो आई कैन से इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। चलिए, तो ये तो हमारा मैक्सिमम और मिनिमम की बात थी। अब कॉन्सेप्ट था कि ये कहां पे हमारा मैक्सिमम हो सकता है, कहां मिनिमम होगा। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर हमारा SHM है, लेट सपोज मान लेते हैं ये एक्स बराबर जीरो है, x बराबर प्लस ए और ये x बराबर माइनस ए, और ये कंटिन्यूअसली SHM कर रहा है, तो थोड़ा स्लो मोशन में देखेंगे, यहां से जब ये कर रहा है इस तरह से तो एक्सट्रीम पॉइंट पे इसे रुकना पड़ेगा तभी ये वापस आएगा, राइट? एट दैट पॉइंट अगर ये रुक रहा है आई कैन से दैट यहां पे हमारा वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्सट्रीम इन पे याद रखना है कि हमेशा एक्सट्रीम पोजिशन पे ये हमारा जीरो हो जाएगा, और रही बात जब ये मीन पोजीशन पे होगा तो हमेशा ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आई होप आप लोग ये जानते होंगे ना, मैं ये बता चुका हूं। अब हम लोग जो है इस चीज को समझेंगे कि यहां पे मैंने आपको बताया है कि वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, हियर वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन अगर इसे हम डिस्प्लेसमेंट में एक्सप्रेस करें तो उसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, वेलोसिटी बराबर ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर डिस्प्लेसमेंट y में है तो y हो जाएगा, और अगर x में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका फॉर्मूला मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कई जगह मैंने बताया था कि हमारा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसका रेडियस जो एम्पलीट्यूड होता है इसे हम लोग r से भी लिखते हैं, राइट? तो यहां पर हम क्या देखते हैं, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? ओके, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि इस फॉर्मूला को हम लोग एक नए तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा नया पार्ट है, बिल्कुल ध्यान दीजिए, राइट? हाँ, तो अभी हम लोग जो है इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, राइट? इस फॉर्मूला को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेलोसिटी बराबर ए ओमेगा इंटू साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। हाँ,
और यहां पे आप देखेंगे ना, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था, वाई बराबर ए साइन सिंपली ओमेगा टी ना। इस में आपको थोड़ा सा रिलेट करना होगा, समझना होगा ना। सबसे पहली बात ना, ये दोनों साइन फंक्शन है, वेरी गुड। ये एम्पलीट्यूड है, ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, इस साइन कर्व का एम्पलीट्यूड होगा। लेकिन यहां मैं क्या देख रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी भी दोनों की सेम है, लेकिन यहां पे मैं दिख रहा हूं कि पाई बाय टू इसमें एडेड है, राइट। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर मैं टी बराबर जीरो लू, फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर मुझे पोजिशन चेक करना हो, टी बराबर जीरो लू ना, मैंने आपको बताया था कि अगर इसको सर्कुलर मोशन में हम समझने की कोशिश करेंगे, तो मान लेते हैं दिस इज आवर रिफरेंस पॉइंट एट टी इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पे क्या देख रहे हैं ना, जब यहां पे टी जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास पाई बाई टू एक्स्ट्रा बनेगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल्स टू जीरो पे आप देख रहे हैं आपको ना y इक्वल्स टू जीरो मिल रहा है यहां पे मीन पोजीशन पे। लेकिन यहां पे अगर मैं t बराबर जीरो पुट करूं ना, तो यहां पे जो है आपको ये साइन पाई बाई टू मिलेगा, राइट ना। और जो कि वैल्यू कहीं ना कहीं यहां पे इसका ए ओमेगा आ जाएगा प्लस में। दैट मीन टू से कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कितना एंगल अधिक है, कितना एंगल आगे है। अगर हम एक ही पॉइंट पे स्टार्ट करें जर्नी ना, तो देख सकते हैं कि हमारा वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट की तुलना में पाई बाय टू से लीड कर रहा है। ध्यान से समझिए, वेलोसिटी जो है इस रिफरेंस पॉइंट से पाई बाय टू से लीड कर रहा है। यही चीज है जो आपको समझना है। दैट मीन्स कि वेलोसिटी जो है वो क्या कर रहा है, वेलोसिटी इज लीडिंग बाय पाई बाय टू रेडियन ना, पाई बाय टू रेडियन से रेड कर रहा है। कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो गया था ना। हम समझ सकते हैं वेलोसिटी जो है वो हमेशा क्या होगा, इससे डिस्प्लेसमेंट से क्या करेगा, पाई बाय टू हमेशा अहेड रहेगा, आगे रहेगा। इसको वाइस वर्सा हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा वेलोसिटी से पाई बाय टू पीछे रहेगा। डिपेंड करता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में आंसर कर रहे हैं। चलिए, ये चीज हमारा वेलोसिटी में हो गया। सिमिलरली हम लोग एक्सिलरेशन की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इसी तरह हम लोग गौर करेंगे। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें ना, तो एक्सेलरेशन जो हमारा है इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी ना। और हमने इसे क्या एक्सप्रेस किया था, एज ए डिस्प्लेसमेंट ना, एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। ओके, तो ये हमारा रिलेशन है, दैट इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम। यहीं से हमारा एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन आया था ना। तो अब यहां समझना है कि अगर मैं इसे भी उसी फॉर्मेट में फिट कर दूं, डिस्प्लेसमेंट की तुलना में देखें, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन। अब चूंकि ये माइनस है तो इसे लिख सकते हैं पाई प्लस ओमेगा टू, राइट। यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये भी साइनोसोडल कर पाएगा, राइट। इसका ये अपना एम्पलीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड इसका ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। ये भी साइन का कर्व है, फ्रीक्वेंसी भी सेम ओमेगा ही, लेकिन अभी फेज एंगल कितना है, फेज डिफरेंस कितना है पाई का, राइट। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज लीडिंग बाय पाई रेडियन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। समझना जरूरी है, क्योंकि इसे हम कंपेरिजन किससे कर रहे हैं ना, इसे कैसे कंपेरिजन कर रहे हैं, राइट। आप देख सकते हैं, अच्छा इसे आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको वेलोसिटी के टर्म में देखें तो पाई को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी। तो ये जो हमारा था वो वेलोसिटी के लिए था, तो वेलोसिटी से ये कितना आगे कर रहा है, पाई बाय टू। चलिए, इसको अगर हम ग्राफिकली समझें ना, तीनों को अगर मैं इस रिजल्ट को अगर मैं ग्राफिकली कंपाइल करूं, तो देखिए हमारे पास कुछ ऐसा सेटअप होगा ना। हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, राइट ना, हमने आपको बताया था एसएचएम का रेप्लिकेशन, राइट। ये अगर मान लेता हूं मैं रिफरेंस पॉइंट है टी इक्वल्स टू जीरो ना, मान लीजिए ये हमारा सर्कुलर रनिंग ट्रैक है ना, यहां पे एक हमने किसी को बैठा कर दिया है। चलिए, एक सेम टाइम पे टी इक्वल्स टू जीरो पे यहां पे हमारा एक बंदा है, राइट। और यहां पे सेम टी इक्वल्स टू जीरो पे यहां भी हमारा एक बंदा है। तो आपको मैं अगर पूछूं कि बताइए ये तीनों कौन है, एक ही टाइम पे एक ही पाथ पे ना, दे आर मूविंग विथ सेम
सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना, तीनों का मूवमेंट इसी सर्कुलर मोशन पे होना है राइट, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन अगर मैं पूछूं यहां पे बताइए ये कौन है, ये कौन है, ये कब है, तो आई होप आपका जवाब बहुत क्लियर होगा राइट। चलिए ये हमारा हो गया, जरा डिस्प्लेसमेंट भैया देख लीजिए, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है सिंपली ए साइन ओमेगा टी। चलिए ये कौन हो जाएगा, इससे पाई बटा टू कौन लीड कर रहा है, कौन आगे है, वेलोसिटी भैया ना, ये हमारा है राइट। ए अगर आप देखें ना, उसे हम लोग मान लेते हैं ए डैश साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहां पे आपको क्या मिलेगा राइट, अगेन ए डैश ए डबल डैश फॉर एग्जांपल, सम कांस्टेंट ही है, ये सारे कांस्टेंट हैं, तो इसे कोई अंदर नहीं आएगा, साइन ना यहां पे आएगा पाई प्लस ओमेगा टी ना, यहां पे ओमेगा टी है, ये पाई बटा टू अहेड हुआ, उसी तरह यहां से पाई ना, हमेशा याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज मिलेंगे, ये हमारा हो गए एक्सिलरेशन भैया राइट। तो आप देख सकते हैं कि एक ही ट्रैक पर अगर दौड़ना सब शुरू करेंगे तो आगे कौन लीड कौन कर रहा है, आगे कौन है, फ्रंट पे कौन है, सबसे आगे कौन है, एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन इज लीडिंग पाई पाई बाय पाई ना, पाई से लीड कर रहा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी से पाई बटा टू लीड कर रहा है, इसको अगर हम लैगिंग में बोलें तो बोल सकते हैं राइट, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी से पाई बटा टू लैग कर रहा है, या एक्सेलरेशन से पाई लैग कर रहा है, या वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन से पाई बाय टू पीछे है, तो वह आपके ऊपर डिपेंड करता है, लीडिंग और लैगिंग वाला आप उसे देख लोगे ठीक है। चलिए यही हमारा था, अगर इसको ग्राफिकली अगर आप देखना चाहें तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं ना, अगर ग्राफिकली इसको आप अगर देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए ठीक है। अगर इसको ग्राफिकली देखेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का क्या इक्वेशन होता है, y बराबर a साइन ओमेगा टी ना, फाइव को यहां पे हम लोग जीरो ले रहे हैं इनिशियल फेज को। तो अब अगर देखिए ये अगर हमारा स्टार्टिंग ग्राफ है, हम लोग एक एक साइकिल के लिए इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, तो पहले मैं इसे खींच दे रहा हूं, ये एक साइनोसोडल कर्व है राइट ओके। तो चलिए ये टू पाई हो गया राइट, ये हमारा पाई हो गया, ये हो गया जीरो, ये पाई बाई टू, दिस वन इज थ्री पाई बाई टू राइट, ये आपका y हो गया एक्सिस, ये हो गया टाइम एक्सिस राइट। चलिए अब अगर इसी इसी ग्राफ को प्रोजेक्ट करेंगे और हम लोग वेलोसिटी का देखेंगे, तो वेलोसिटी का क्या इक्वेशन था ना, a साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा t ना, तो वहां पे अगर हम t जीरो करें, ध्यान से देखें, अगर t जीरो करेंगे तो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू a ना, साइन पाई बाई टू दैट इज इक्वल्स टू ए, मतलब जो ये वाई का हमारा मैक्सिमम वैल्यू है ना, वाई का जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज प्लस ए ना, तो कहीं ना कहीं एट टी इक्वल्स टू जीरो हमारा, अगर इसी को हम लोग आगे प्रोजेक्ट करें और देखें कि इसका ग्राफ कैसा होगा ना, तो जो ग्राफ जीरो से डिस्प्लेसमेंट के लिए शुरू हुआ, सेम ग्राफ हमारा इस पॉइंट से स्टार्ट होगा किसके लिए, पाई बाय टू ना, पाई बाय टू का डिफरेंस मेंटेन करते हुए वेलोसिटी के लिए स्टार्ट होगा। तो अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा आपको दिखेगा, चलिए तो ये आपको कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से हमारा साइकिल कंप्लीट करेगा एट टू पाई। दैट मींस कि अगर इसको हम थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड अगर करें तो आपको दिखेगा ना कि माइनस पाई बाई टू राइट, ये जो ग्राफ है वेलोसिटी का, दिस इज योर वेलोसिटी डायग्राम, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये पाई बाई टू का डिफरेंस है दोनों में, ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ जो है यहां से आप समझ सकते हैं कि यहां से यहां तक शिफ्ट हो गया इस दिशा में ना, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, चूंकि ये लीड कर रहा है। सिमिलरली अगर आप इसी में एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, चलिए कि एक्सेलरेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप उसका इक्वेशन देख सकते हैं, माइनस इट विल बी योर ओमेगा स्क्वायर ए साइन
पाई प्लस ओमेगा टी। तो इसमें डिफरेंस कितना का है, अगर डिस्प्लेसमेंट से देखेंगे तो ये पाई का डिफरेंस होगा ना। चलिए मैं इसमें ब्लैक पेन से इसे हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो ये अभी हमने देखा कि अगर पाई बटा टू से ये लीड कर रहा था तो हम पाई बटा टू पीछे है, अगर ये पाई से एक्सप्रेशन लीड कर रहा है तो पूरा का पूरी पीछे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा ग्राफ देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा। बिल्कुल ब्लैक वाले पे नजर रखिए, ब्लैक वाला हमारा जो है वो एक्सेलरेशन डायग्राम है, ये जो ब्लैक वाला है वो एक्सेलरेशन डायग्राम है ना। और अगर इसको और अगर हम डॉट डॉट करके पीछे कर दें तो कहीं ना कहीं दिस विल बी योर माइनस पाई, राइट। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी डायग्राम पाई बाय टू पीछे से स्टार्ट हुआ और एक्सेलरेशन पाई से स्टार्ट हुआ ना। तो यहीं से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। आई होप आपको क्लियर होगा ना। क्या कंक्लूजन इसका है, कंक्लूजन यही है वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट से पाई बाय टू लीड करेगा और एक्सेलरेशन पाई से लीड करेगा। ओके लेट सॉल्व सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम लोग अभी तीन न्यूमेरिकल क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व करेंगे, राइट। तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस करते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं जो गिवन डाटा है ना, क्या है, पहले दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है और जिसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यह दिया हुआ है जब एक्स बराबर 2 मीटर फ्रॉम मीन पोजिशन। चलिए और आपको निकालना क्या है, एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो शुरुआती दौर में आप पहले एक डायग्राम ड्रॉ करो ना, और जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगा, तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो मान लेते हैं कि हमारा एक्स डायरेक्शन में एसएचएम हो रहा है एक्स बराबर जीरो, ठीक है। और मान लेते हैं कि एक्स बराबर कुछ प्लस ए घूम रहा है और इधर x बराबर माइनस ए, ये हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, राइट। और जैसा कि मैंने बताया है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होता है, हमेशा मैक्सिमम वेलोसिटी जब भी होगा तो वो मीन पोजीशन पे होगा। दैट मींस कि यहां पे वेलोसिटी हमारा पता है कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होता है, जहां पे फोर्स मैक्सिमम होगा, या यू कैन से ना जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि आप पढ़े हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एसएचएम का बेसिक इक्वेशन। तो यहां पे हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, राइट। ये आप लोग बेसिक जानते हो, राइट। लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन यहां नहीं है, एक्सेलरेशन कहां दिया हुआ है, कुछ यहां ना, जब एक्स बराबर मान लेते हैं जब है एक्स बराबर टू, तो मान लेते हैं ये एक आर्बिट्री पॉइंट है, यहां पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए बराबर कितना 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको पूछ रहा है कि इस एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या होगा और ओमेगा क्या होगा। चलिए तो आप जानते हो वीमैक्स का फॉर्मूला ए इंटू ओमेगा ना, और ये दिया हुआ है कितना 3। ये दोनों निकालना है हमारे लिए, दोनों अननोन है। तो चलिए इक्वेशन वन ले लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन में देखिए एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपको याद होगा एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला था माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ना दिया हुआ था, राइट। चलिए यहां पे हम लोग माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, वील टेक मैग्नीट्यूड ना। तो यहां पे हमारे लिए ए बराबर क्या जगह सिंपली ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ना। चलिए अब यहां पे पुट कर दीजिए x बराबर 2, यहां पे एक्सेलरेशन मेरा कितना आ जाएगा ना, यहां पे x बराबर 2 पे 18 इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू 2, यहां से सॉल्व करेंगे ओमेगा बराबर कितना आ गया 3, राइट। ओमेगा 3 आया, इसमें पुट कर दीजिए, आई होप यू गेट द आंसर a बराबर 1 एंड ओमेगा बराबर 3। ओके तो आप इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन डेटा है अगर उसको आप लोग देखेंगे तो दिया हुआ है कि दो एसएचएम जो एक पार्टिकल है एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और उसके बीच जो है डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट के बीच डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। और जब ये एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर है मीन पोजिशन पे तो वहां पे फोर्स दिया हुआ है 2 न्यूटन। तो आपको पूछा कि मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, क्लियर है, राइट। तो इसको भी एक सिंपल अगर डायग्राम से समझ ले ना तो ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। तो मान लेते हैं ये अगर x बराबर 0 मीन पोजीशन है और ये हमारा x बराबर a और x बराबर माइनस a, अगर ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है राइट a एंड b, राइट। तो हम देख सकते हैं कि यहां से यहां तक के बीच का गैप कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन 20 सेंटीमीटर। तो ये तो पहले ही क्लियर है, इसका मतलब a का मान कितना हो गया 10 ना, यहां से यहां तक कितना हमारा एम्पलीट्यूड कितना हो गया 5, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज 5 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर,
ना यहां तक 20 है, आधा हो गया 10 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं कहीं ये हमारा एक पॉइंट है x बराबर 1, अगर x बराबर 1 है तो यहां पे मेरे लिए फोर्स कितना लग रहा है 2 न्यूटन, ठीक है ओके। और पूछा जा रहा है कि एफ मैक्स कहां होगा, तो आप जानते हो ना कॉन्सेप्ट से मैंने बताया है कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, दैट इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ओमेगा क्या है कांस्टेंट रहता है राइट। तो यहां पे ना तो एक्सेलरेशन जहां मैक्सिमम होगा ना, एक्सेलरेशन कहां पे मैक्सिमम होगा समझने वाली बात है, एक्सेलरेशन यहां से आप जान रहे हो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो एक्सेलरेशन कहां मैक्सिमम होगा जहां पे आपका ना डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम, और जहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा वहीं पे ना फोर्स भी मैक्सिमम होगा। चलिए तो समझने वाली बात है, तो बेसिकली आपको पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होगा, वही ना फोर्स मैक्सिमम होगा, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होता है मैंने बताया था एक्सट्रीम पॉइंट पे, तो मतलब समझना है कि फोर्स हमको कहां पूछा जा रहा है एक्सट्रीम पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब हो गया कितना ना ए बराबर 10 राइट। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जान रहे हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो अगर तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स मैक्स, चलिए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 10, ये आपको एक्सेलरेशन निकल गया राइट ना ओके। लेकिन हमको यहां पे चाहिए फोर्स राइट, तो आपको समझना होगा ना कि इसको हम लोग कैसे टैकल करें राइट। तो आप जानते हो ना कि आप जानते हैं कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन एंड इट इज गिवेन हाउ मच 2 न्यूटन एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स राइट। ये 2 न्यूटन फोर्स किसके लिए है जब एक्स बराबर मेरा कितना है 1 है राइट, तो यहां से लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, तो यहां से आप क्या देख रहे हो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना निकल गया आपको 2 ना। अगर ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 निकल गया तो यहां से आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकल सकता है, बहुत आसानी से निकल जाएगा ना, तो यहां से मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी दैट इज नथिंग बट ना हाउ मच ना 2 इंटू 10 बराबर 20। अब अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहां पे ये है ना, और आप जान रहे हो राइट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा विल बी योर 20 न्यूटन। तो ये एक तरीका है बनाने का, इसके अलावे भी आप इसको बना सकते हो ना, लेकिन उसके लिए फिर आपको स्प्रिंग मास सिस्टम आपको एज्यूम करना होगा कैसे ना, अगर डायरेक्टली फोर्स से हम इसको सॉल्व करें तो मेथड 2 भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ध्यान से, मेथड 2 बहुत इजी है और तुरंत ही बन जाएगा ना, विद इन 10 सेकंड में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको फिर एक SHM सिस्टम समझना होगा। तो मान लीजिए ये हमारा एक स्प्रिंग मास सिस्टम है ठीक है, और ये हमारा मास m है राइट, और ये मान लेते हैं x बराबर 0 है। चलिए ये x बराबर अगर मान लेते हैं यहां पे हमारा आ रहा है x बराबर 10, ये मैक्सिमम था राइट, यहां मास आ रहा है और हमारा आ रहा है, तो ये इस तरह से इसके बीच हमारा ना सिंपल हार्मोनिक मोशन ये परफॉर्म कर रहा है राइट। तो आपको पूछ रहा है कि यहां पे हमारा फोर्स क्या होगा, चलिए तो स्प्रिंग मास सिस्टम के अगर कॉन्स्टेंट k है तो फोर्स क्या होता है एफ बराबर के इंटू एक्स राइट, दैट मीन्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, बिल्कुल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है ध्यान से देखिए एक्स बराबर एक पे, एक्स बराबर एक पे फोर्स कितना है एफ बराबर 2 न्यूटन राइट। ध्यान से देखेंगे एक्स बराबर 1 है एफ कितना है 2 न्यूटन, सिमिलरली चूंकि डायरेक्टली रिलेशन है एक्स बराबर 5 है ना, सॉरी एक्स बराबर 10 है मैक्सिमम ना, मैक्सिमम फोर्स कहां निकलेगा एक्सट्रीम पॉइंट पे, और एक्स बराबर 10 है तो क्या हो जाएगा आंसर 2 इंटू 10 बराबर 20 न्यूटन, सिंपल इंटरपोलेशन है राइट। इसे आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये समझना होगा ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या होगा कितना डिस्प्लेसमेंट है ना 10 सेंटीमीटर, तो 10 है तो 1 सेंटीमीटर में अगर ये हमारा फोर्स कितना आ रहा है 2, तो 10 में कितना आएगा 20, सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में जो गिवेन डेटा दिया हुआ है उसको आप अगर देखेंगे तो इसमें भी दिया हुआ है फिक्स एक्सट्रीम पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस कितना है 20 है, तो अगर आप मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं पिछले क्वेश्चन के आधार पे अगर एक्सट्रीम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर 20 है तो डेफिनेटली यहां से सीधे आप समझ लोगे एम्पलीट्यूड कितना इसका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, वेरी नाइस
ओके नाउ और दिया हुआ है मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो x बराबर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन, ना मीन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर अहेड हम लोग हैं, उस पोजीशन पे हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अगर इसको ग्राफ में अगर देखें तो बहुत सिंपल है, मान लो x बराबर 0, अब बताइए x बराबर ये कितना हो गया 10 और ये हो गया -10 ना, तो यहां पे हम समझ गए। अब ये इस जगह पे कहीं हम है x बराबर 5 पे, अगर हम यहां पे हैं राइट, और यहां पे हमारा वेलोसिटी क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत सिंपल है राइट। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, बी मैक्स बराबर ए इंटू ओमेगा राइट। एम्पलीट्यूड निकाल चुके हैं कितना 10, तो ये अगर 40 है तो क्या होगा 10 इंटू ओमेगा, यहां से ओमेगा कितना निकल गया 4 राइट, ओमेगा निकल गया कितना 4। लेकिन यहां समझना है कि हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी राइट। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैंने बताया था वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ वाई, याद करिए फॉर्मूला वेलोसिटी फंक्शन ऑफ वाई। अगर मेरा 5 डिस्प्लेसमेंट है ना, तो यहां पे अगर एक्स, यहां पे डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स का फंक्शन है, तो याद है फॉर्मूला ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जनरली वाई लिखते थे उसके जगह एक्स कर देंगे राइट, पुट कर दीजिए राइट। ओमेगा पता है कितना 4, ए मालूम है 10 का स्क्वायर माइनस एक्स कितना है 5 का स्क्वायर, व्हाट इज द आंसर ना, ये हो गया रूट 75 हो गया 25 × 3, तो 5√3, 4 × 5√3, तो आंसर विल बी 20√3 ना, ये मीटर पर सेकेंड हो गया। अब अगर वेलोसिटी आपको पता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, मैग्नीट्यूड बताया था ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ओमेगा यू नो दैट कितना 4 का स्क्वायर, एक्स कितना चाहिए 5, ये हो गया 16 × 5 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो ना, ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छा लगा होगा ना। तो इस तरह से मैंने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताए हैं, अब आपके पास कंसेप्ट आ गए, अब आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले सेशन में हम लोग अब वाइब्रेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्री वाइब्रेशन क्या है, फोर्स वाइब्रेशन क्या है, डैम्प वाइब्रेशन क्या है, और उस पर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो कि हमारा मेन टॉपिक है राइट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इसी तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए और अच्छे से पढ़िए, इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल और भी आप सॉल्व कर सकते हैं खोज के ना, तो तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बिना सॉल्व किए हुए कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करिए बाय सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ठीक है, और बिल्कुल मुस्कुराते रहिए। ओके थैंक यू।